हाय गाइस, आज हम बात करने वाले टॉप 5 बैडमिंटन रैकेट अंडर 1000 रुपीज। एंड ये सारे रैकेट को मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए खरीदा है, उसके बाद फिर खेल के भी देखा है, एंड इनमें से फिर कौन सा बेस्ट है उसके हिसाब से फिर सीक्वेंस में जमाया है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि खेलने से पहले कुछ और सीक्वेंस है, एंड खेलने के बाद इस रैकेट का कुछ और सीक्वेंस हुआ। मुझे ये समझ आया कि रैकेट दिखने में जैसा भी हो लेकिन एक्चुअली वो खेलने के बाद ही समझ आता है। वीडियो के लास्ट में मैंने ये सारे रैकेट का अच्छे से कंपैरिजन किया, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सो मेरा नाम है शौर्य, चैनल का नाम है हैडक बैडमिंटन, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो जो हमारे पांचवे नंबर का रैकेट है वो है यूनेक्स का GR303 बैडमिंटन रैकेट। सो जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट को बनाने के लिए वो है एल्यूमिनियम। हेडशिप की बात करें तो आपको ओवल देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड स्ट्रिंग टेंशन आप इसमें मैक्सिमम 18 से 20 LBS तक लगा सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा 18 LBS से ज्यादा ना ही लगाए तो बेटर रहेगा। एंड टी जॉइंट की बात करें तो ये टू पीस टी जॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसका जो फ्रेम एंड शाफ्ट वो एक थर्ड मटेरियल से जुड़ा, जैसे कि आप देख सकते हो। शाफ्ट की बात करें तो आपको यहाँ स्टील शाफ्ट देखने को मिल जाता है, एंड शाफ्ट में आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है, जो कि है GR303। उसके बाजू में लिखा है डेवलप्ड बाय यूनेक्स जापान, एंड नीचे में लिखा है मेड इन चाइना। सो ये रैकेट मैन्युफैक्चर हुआ है चाइना में। ग्रिप साइज की बात करें तो ये आपको G6 देखने को मिल जाता है इसका ग्रिप साइज। ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट की बात करें तो ये आपको 97 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाएगा विदाउट स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग को ऐड नहीं करते। स्ट्रिंग ऐड करने के बाद ये 102 ग्राम का है, एंड अगर आप इसमें ऐड करते हो ग्रिप भी तो आपको 107 ग्राम के अराउंड ये टोटल रैकेट का वेट देखने को मिल जाता है। फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात कर ले तो आपको 500 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट 500 रुपीज के अराउंड है तो आप यूनेक्स का GR303 ले सकते हो। एंड इसके अलावा जो यूनेक्स लीनिंग के अदर मॉडल है, लाइक यूनेक्स का ZR100, ZR101, ZR111, एंड लीनिंग का XP94, XP2020, Mega Power 9, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि ये सारे के स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हमने ये सारे रैकेट को एक ही कैटेगरी में रखा है। एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑब्वियसली आप इसे इंडोर भी खेल सकते हैं, आउटडोर भी खेल सकते हो, एंड जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है उसके हिसाब से ठीक है। तो जो हमारा फोर्थ रैकेट है वो 100 का PowerTech 1000 Pro है, एंड जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छा इसका लुक है, एंड ये आपको काफी सारे डिफरेंट कलर में भी देखने को मिल जाता है। तो जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट को बनाने के लिए वो है ग्रेफाइट। हेडशिप की बात करें तो आपको आइसोमेट्रिक देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो प्रोवाइड करता है बिगर स्वीट स्पॉट। एंड इसमें आप मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो 24 कंपनी का दावा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 22 LBS से ज्यादा ना लगाए तो बेटर रहेगा। ये एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इसके टी जॉइंट में 100 का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो फ्रेम है आपको थोड़ा सा सरप्राइज देखने को मिलता है, तो इसका जो फ्रेम का डिजाइन है एज कम्पेयर टू जो अदर रैकेट की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। शाफ्ट की बात करें तो यहाँ लिखा है कार्बन ग्रेफाइट शाफ्ट, एंड शाफ्ट में आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है, जो कि है PowerTech 1000 Pro। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो ये एक हेड हेवी टाइप का बैडमिंटन रैकेट है, माने इस रैकेट का मैक्सिमम वेट इसके हेड पे शिफ्टेड है, विच इज गुड फॉर पावरफुल शॉट लाइक स्मैशेस एंड क्लियर टॉस। ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट की बात करेंगे तो ये आपको 95 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाता है विदाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऐड करने के बाद ये आपको 100 ग्राम में देखने को मिल जाएगा, एंड अगर आप इसमें ग्रिप भी ऐड करते हो तो आपको 105 के अराउंड टोटल रैकेट का वेट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसकी जो ग्रिप की क्वालिटी है मुझे काफी बढ़िया लगे, एंड जो ग्रिप साइज है ये हमें G6 देखने को मिल जाता है। फाइनली इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो ये आपको 990 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हो। जब मैं ये रैकेट के साथ खेल रहा था तो मेरे को इसका पावर काफी अच्छा लगा, साथ ही साथ रैकेट का जो स्विंग स्पीड भी है मुझे काफी बढ़िया लगा, क्योंकि इसके फ्रेम में जैसे कि मैं बताया थोड़ा सा सरप्राइज्ड के कारण जो स्विंग स्पीड भी है उसका काफी अच्छा फ्लो था। एंड रैकेट की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी तगड़ी लगी, बस एक ही डिसएडवांटेज लगा, जब मैं शटल को हिट कर रहा था तो जो वाइब्रेशन आ रहा था रैकेट में वो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है इस रैकेट से खेलने में। तो जो हमारा तीसरा नंबर का रैकेट है वो हमें अमेजोन ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है, जिसका नाम है सिमएक्टिव S1000। एंड जैसे कि आप देख सकते हो पूरा रैकेट हमें ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको मधुमक्खी का जो शेप रहता है छत्ते का उस टाइप के पैटर्न देखने को मिल जाएंगे रेड एंड येलो कलर में थ्रू आउट द रैकेट। हेडशिप की बात करें तो आपको आइसोमेट्रिक देखने को मिल जाता है, एंड इसके हेड के टॉप में लिखा है यहाँ बैलेंस। सो इस रैकेट का जो बैलेंस पॉइंट है हमें वो इवन बैलेंस देखने को मिलता है, माने वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रैकेट। टी जॉइंट की बात करें तो एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इसके टी जॉइंट में हमें सिमएक्टिव का लोगो देखने को मिल जाता है। शाफ्ट की बात करें तो यहाँ आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाएगा S1000, एंड इस साइड थोड़ा कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा है, जैसे कि वेट लिखा है 84 ± 2 ग्राम। वैसे जब हम इस रैकेट का वेट करें तो हमें 86-87 ग्राम देखने को मिला विदाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ऐड करने के बाद 92 ग्राम, एंड अगर आप इसमें ग्रिप भी ऐड करते हो तो 97 ग्राम के अराउंड ओवरऑल रैकेट का वेट देखने को मिल जाता है। यहाँ लिखा है टेंशन 28 LBS, माने कंपनी का दावा है आप इसमें मैक्सिमम 28 LBS तक लगा सकते हो, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 22 या 20 LBS से कम ही लगाए तो बेटर रहेगा। ग्रिप साइज की बात करें तो आपको G4 देखने को मिल जाता है, एंड फाइनली इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो 879 रुपीज के अराउंड ये
रैकेट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ले सकते हो। इस रैकेट को खेलने के बाद इस रैकेट को मैंने नंबर 1 पे रखा था, वो चाहे स्मैश हो गया, टॉस हो गया, ड्रॉप हो गया, सब कुछ इस रैकेट का काफी बढ़िया था। स्विंग स्पीड भी काफी सही लगा मुझे। बस इस रैकेट का मुझे एक ही डिसएडवांटेज लगा, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मैं एकदम सेटिस्फाइड नहीं था इस रैकेट की बिल्ड क्वालिटी को लेकर, इसलिए मैंने इसे थर्ड पोजीशन पे रखा। बाकी खेलने के मामले में एकदम सही है रैकेट। तो जो हमारे दूसरे नंबर का रैकेट है वो हमें HRX की तरफ से देखने को मिलता है, जिसका नाम है कार्बन S3000 लाइट। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। एंड हेडशिप की बात करें तो आपको आइसोमेट्रिक देखने को मिल जाता है। बैलेंस पॉइंट, ये एक इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है। टी जॉइंट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट हमें देखने को मिल जाता है। शाफ्ट की बात करें तो आपको यहां रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाएगा, जो कि है कार्बन S3000 लाइट। एंड यहां कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि लिखा है बैलेंस पॉइंट, जो कि एक इवन बैलेंस है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो कंपनी का दावा है आप इसमें मैक्सिमम 30 LBF तक लगा सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल भी ना लगाइएगा, क्योंकि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा 20 से 22 LBF से कम लगाए तो बेटर रहेगा। यहां लिखा है वेट 76 ± 2 ग्राम। वैसे जब हम इस रैकेट का वेट करें तो हमें 78 ग्राम के अराउंड देखने को मिला। विदाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो आपको 83 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाता है ये रैकेट। एंड अगर आप इसमें ग्रिप भी ऐड करते हो तो आपको 88 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाएगा ओवरऑल रैकेट का वेट। अगर हम कंपेयर करेंगे इस रैकेट का वेट बाकी 4 अदर रैकेट से, तो हमें सबसे लाइट वेट रैकेट ये ही देखने को मिलता है। फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात करें तो आपको 899 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाता है। जब मैं रैकेट के साथ खेल रहा था तो ये लाइट वेट होने के कारण इसका जो रैकेट का स्विंग स्पीड है मुझे काफी अच्छा लगा। इसका मूवमेंट भी काफी सही था एंड इजी टू प्ले था। बाकी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर डेफिनेटली लगाना पड़ता है पावरफुल शॉट में, बिकॉज ये थोड़ा सा लाइट वेट है शॉट लाइक स्मैशेस एंड क्लियर टॉस में। तो मैंने इस रैकेट को नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा, बिकॉज ऑफ इसके बिल्ड क्वालिटी के कारण। डेफिनेटली इस रैकेट को बनाने के लिए ग्रेफाइट यूज हुआ है, लेकिन जब मैं खेल रहा था तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था इसके बिल्ड क्वालिटी को लेकर। अच्छी तो है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। तो गाइस जो हमारे पहले नंबर का बैडमिंटन रैकेट है वो है एड्रेनेक्स का R501 बैडमिंटन रैकेट। एंड ये आपको बेसिकली दो कलर में देखने को मिल जाता है, पहला है ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में एंड दूसरा है ऑरेंज एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। हेडशिप की बात करें तो आपको आइसोमेट्रिक देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसके फ्रेम के यहाँ टॉप में भी लिखा है आइसोमेट्रिक। टी जॉइंट की बात करें तो एक सिंगल पीस टी जॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट को बनाने के लिए वो है हाई मॉडुलस ग्रेफाइट। इस रैकेट के बैलेंस पॉइंट की बात करें तो एक इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है। मैंने वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रैकेट। शार्प फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमें फ्लेक्सिबल इसका शार्प देखने को मिल जाता है। कंपनी का दावा है आप इसमें मैक्सिमम 28 LBF तक लगा सकते हो, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा 22 या 23 LBF तक ही लगाए। अगर उससे ज्यादा लगाते हैं तो डेफिनेटली टूटने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि एक लोअर एंड के रैकेट्स है। सो मैं सब रैकेट में सजेस्ट करूंगा 22 LBS से कम लगाए। एंड जो GR303 है उसमें आप 18 LBS से कम लगाए। ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट की बात करें तो आपको 88 ग्राम में देखने को मिल जाएगा विदाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ऐड करने के बाद 93 ग्राम। एंड अगर आप ग्रिप भी ऐड करते हो जैसे कि हमने इसमें ऐड किया है, तो आपको 98 ग्राम के अराउंड ये रैकेट देखने को मिल जाएगा। वैसे जब आप इससे खेलोगे तो उतना ये हैवी फील नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर रैकेट से। फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात कर ले तो ये आपको 950 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाता है। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं इस रैकेट का। तो अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। तो जब मैं इस रैकेट के साथ खेल रहा था तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। मुझे काफी ज्यादा तगड़ा लगा एज कम्पेयर टू अदर रैकेट से। एंड सच बताओ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा था जब मैं रैकेट के साथ खेल रहा था, वो चाहे पावरफुल शॉट हो गए, स्मैश हो गए, टॉस हो गए या ड्राइव हो गए। तो मुझे काफी कंफर्टेबल हो रहा था इस रैकेट के साथ। एंड जब आप शटल मार भी रहे हो इस रैकेट से तो आपको कोई वाइब्रेशन टाइप का फील भी नहीं होता। तो जैसे कि मैं बताया ये आपको 950 रुपीज के राउंड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और रैकेट है वो है एड्रेनेक्स का डोमिनेंट प्लस 3000, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये भी काफी बढ़िया रैकेट है, ये मेरे को 1006 रुपए में देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो अगर लाइक मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको 950 में ये मिल जा रहा है तो अगर आप 50-100 रुपए ज्यादा दे के ये ले सकते हो तो ये इससे भी थोड़ा सा बेटर है। वैसे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एड्रेनेक्स R501 बैडमिंटन रैकेट के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल, ड्यूरेबिलिटी एंड पावर के ऊपर हम रैंकिंग कर ले तो सबसे पहला मैं रैंक दूंगा एड्रेनेक्स R501 को। दूसरा में हमारा आएगा 100 का पावर टेक 1000 प्रो। तीसरे में आएगा हमें अमेजोन ब्रांड की तरफ से सिम एक्टिव जो देखने को मिलता है S1000 वो। चौथे में आएगा HRX की तरफ से कार्बन S3000 लाइट। एंड पांचवे में यूनेक्स की तरफ से GR303। गेम प्ले की बात करें, मैंने खेलने में कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था, तो सबसे पहले है एड्रेनेक्स R501, दूसरे में HRX का कार्बन S3000, तीसरे में सिम एक्टिव S1000, चौथे में है 100 का पावर टेक 1000 प्रो एंड पांचवे में है यूनेक्स का GR303। स्पेसिफिकली स्विंग स्पीड की बात करें तो सबसे पहले मैं HRX का कार्बन S3000 रखूंगा। एंड वेट में भी क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट है इसलिए इसका
स्विंग स्पीड भी हमें ज्यादा बेटर देखने को मिला। उसके बाद है एड्रेनेक्स R501, उसके बाद है सिम एक्टिव S1000, उसके बाद है 100 का पावर टेक 1000 प्रो एंड आखिरी में है GR303। वेट की बात करें तो आपको सबसे लाइट HRX का कार्बन S3000 मिलता है, उसके बाद ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम है एड्रेनेक्स R501 एंड सिम एक्टिव S1000 का। उसके बाद आपको 100 का पावर टेक 1000 प्रो देखने को मिल जाता है एंड सबसे हैवी में आपको GR303 देखने को मिल जाएगा। तो आप में से काफी लोग बोल रहे होंगे कि GR303 को हमेशा लास्ट में क्यों रख रहे हो, तो ऑब्वियसली GR303 और ये सारे रैकेटों का कंपैरिजन नहीं है। अगर आपका बजट 500 रुपीज के अराउंड है तो मैं GR303 या इसके जैसे जो और मॉडल बताया वो ले सकते हो, एंड अगर आपका बजट 1000 रुपीज के अराउंड है तो आप ये चारों रैकेटों में से कोई भी ले सकते हो। मैं हर कैटेगरी में रैंकिंग दे दिया, तो आप अपने गेम स्टाइल के हिसाब से ये रैकेट चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो लीनिंग का GTEC सीरीज है 38GX से लेकर 78GX तक, तो हमने एक भी कंसिडर नहीं करा अंडर 1000 में क्योंकि वो अभी डिसकंटिन्यू होने वाला है। एक और रैकेट है जिसको हमने कंसिडर नहीं करा है, वो है APS का ग्रेफाइट 999। ये पहले आपको 1000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जा रहा था, लेकिन अभी इसका प्राइस हो गया 1500-1600 रुपीज के अराउंड, तो इसलिए हमने इसको लिस्ट में नहीं डाला है। तो जाते आते हम रैकेट के कवर की भी बात कर लेते हैं, तो जल्दी से मैं ले आता हूं। पहले नंबर पे रखूंगा 100 का कवर, इसकी क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी एज कम्पेयर टू अदर कवर से, तो इसमें आपको काफी अच्छी क्वालिटी काफी अच्छी पैडिंग देखने को मिल जाती है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा डोमिनेंट प्लस 3000 एड्रेनेक्स का, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कवर है, ठीक है। तीसरे नंबर पे सिम एक्टिव का रखूंगा मैं, जैसे कि आप देख सकते हो सिम एक्टिव का कवर। चौथे नंबर पे मैं रखूंगा एड्रेनेक्स R501 का। पांचवें नंबर पे HRX कार्बन H का एंड छठवें नंबर पे यूनेक GR303 का। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया टॉप 5 बैडमिंटन रैकेट अंडर 1000 रुपीज। टॉप 5 तो नहीं बोलूंगा, टॉप 6 एक और जोड़ दिए थे हम एड्रेनेक्स का डोमिनेंट प्लस 3000। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि काफी मेहनत लगती है पूरी वीडियो को बनाने के लिए। एंड कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।